गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 20 मैक्सिमा मिनिमा प्लस टू क्लास। फर्स्ट वी विल रीड दिस स्टेटमेंट। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। एक सिलेंडर गिवन है और उसका एरिया, सरफेस एरिया गिवन है। मैक्सिमम वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो इसके वॉल्यूम का डेरिवेटिव होगा इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ये हमने प्रूव करना है कि जो सिलेंडर की हाइट है वो डायमीटर के इक्वल है। चलो सबसे पहले मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर हाइट ऑफ सिलेंडर। तो पहले हम यहाँ पर गिवन लिखते हैं कि क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, ठीक है, गिवन, दोबारा स्टेटमेंट रीड करें। शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। क्या गिवन है? सरफेस एरिया। कितना गिवन है ये तो नहीं लिखा ना, तो हम मान लिया सरफेस एरिया कितना गिवन है, ए। ठीक है, तो एरिया का ए होता है ना, तो इसलिए हमने इसको ए ले लिया। मैक्सिमम वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करके दिखाना है, यानी इसके वॉल्यूम का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ये प्रूव करना। और क्या प्रूव करना है? हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, सिलेंडर की जो हाइट है इक्वल है डायामीटर के, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। कहते सिलेंडर की हाइट डायामीटर के इक्वल होगी, ये प्रूव। देखो इस सिलेंडर का एरिया गिवन है कितना, ए। इसका वॉल्यूम निकालो, मैक्सिमम प्रूव कर दो। सिलेंडर की हाइट डायामीटर के इक्वल है, प्रूव कर दो। कहते अगर ये सिलेंडर की हाइट डायामीटर के इक्वल बन जाए तो इसकी जो कैपेसिटी है, इसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगा, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है ना, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो पहले गिवन से स्टार्ट करते हैं। एरिया, एरिया गिवन है, एरिया का फॉर्मूला 2πRH+R। ठीक है, ब्रैकेट खोल लो, ए इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2πRH+ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2πR2। ठीक है, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का πR²H। याद रखें डेरिवेटिव तो यहीं पर होगा, एक तरह से ये एक्स है और ये वाई है, तो हम पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, वाई की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दी। ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ से एच की वैल्यू निकाल के इसमें डाल देते हैं। इसको इस तरफ ले आओ, ए माइनस टू पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई आर एच। टू पाई आर को डिवाइड में ले जाओ, ए माइनस 2πR² डिवाइड बाई 2πR इज इक्वल h, तो ये h की वैल्यू निकल गई। इस h की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, पिछले वीडियो में यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देते, ऐसे ही इसमें हमने h की वैल्यू डाल दी। यहाँ से πR² पुट द वैल्यू ऑफ h, ये वाली, a माइनस 2πR² एंड डिवाइड बाई 2πR, जो कैंसिल हो रहा हो कर दो, पाई बहुत कैंसिल, बहुत आर कैंसिल, तो वॉल्यूम इक्वल ये आर रह गया, इस आर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से बन जाए ए आर माइनस इस आर को इसके साथ, तो 2πR³ बन जाएगा। और बाकी यहाँ क्या रह गया, 2, ये 1/2 मैंने आगे लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डेरिवेटिव हम कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ओन बोस, याद रखें जो गिवन में था उसका डेरिवेटिव नहीं करना। गिवन में क्या था, एरिया, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जो भी वर्ड गिवन में होगा उसका डेरिवेटिव नहीं करना, ए का नहीं करना, सिर्फ आर रह गया, बस आर का डेरिवेटिव। तो यहाँ लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर हाफ, ए डेरिवेटिव ऑफ आर इज 1, पावर आगे एक पर कम, 3 × 2 = 6 πR². क्लियर, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख लो, लेट dv/dr इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका सारा 0 लिखो, हाफ a माइनस 6 πR² इक्वल टू 0,
टू इधर आएगा तो मल्टीप्लाई खत्म, ए माइनस सिक्स पाई आर स्क्वायर जीरो, इसको इधर ले जाओ, एक इसके इक्वल बन गया सिक्स पाई आर स्क्वायर। चलो इसको हम बाद में देखते हैं, तो एक बार फिर डेरिवेटिव कर लेते हैं, प्लस आएगा तो मिनिमम, माइनस आ गया तो मैक्सिमम। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर वन का अगेन डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू आर, वॉल्यूम का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, निकालें तो यहाँ से ये हाफ, ए का डेरिवेटिव जीरो क्योंकि इसके साथ आर तो है ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ पर डेरिवेटिव करना, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जीरो, और इसका पावर आ गया एक पावर कम। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हाफ, और यहाँ पर आ गया जीरो, और इधर आ गया माइनस ट्वेल्व पाई आर, टू से डिवाइड कर दो टू सिक्स ट्वेल्व पाई आर, तो यहाँ पे बस यहाँ पर हमारे आंसर किस में आ रहे हैं, नेगेटिव, तो वॉल्यूम क्या बन गया, हैंड्स वॉल्यूम एच मैक्सिमम। क्लियर, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना बन गया, मैक्सिमम। अब उसने क्या कहा था, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, सेकेंड कहते सिलेंडर की हाइट डायामीटर के इक्वल है, ये प्रूव कर दो। सिलेंडर की हाइट ये रही, देखो ये हाइट निकाली थी, जैसे हम वाई की वैल्यू निकालते थे ऐसे ये एच की वैल्यू, एच किससे, ये वाला एच मैं नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ, देखो एच इज इक्वल ए माइनस टू पाई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय टू पाई आर, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दो, ए अभी हमने निकाला था, देखो एक इसके जब डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल लिखा था तो ए कितना आया था सिक्स पाई आर स्क्वायर, यहाँ ए की जगह सिक्स पाई आर स्क्वायर लिख दो, सिक्स पाई आर स्क्वायर माइनस टू पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय टू पाई आर, तो यहाँ से एच सिक्स में से टू गया फोर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय टू पाई आर, टू टू जा फोर बोथ पाई कैंसिल आर से स्क्वायर कैंसिल, तो एच किसके इक्वल बन गया टू आर, तो ये हाइट हो गई, रेडियस का डबल क्या बन गया डायामीटर, तो ये बन गया हाइट इज इक्वल डायामीटर, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा, क्लियर है क्वेश्चन, देख लो, ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सेम क्वेश्चन है, देखो सिलेंडर का सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन, सिलेंड्रिकल का एक डिब्बा है, चलो एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया और ये सिलेंडर की हाइट बन गई। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें, देखो पहले गिवन, फिर टू प्रूफ, फिर देखते हैं आगे, पढ़ो, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन राइट सर्कल, गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, फाइंड द डायमेंशन, इसकी डायमेंशन निकालनी है, फाइंड डायमेंशन मतलब एक आर निकाल के दिखाना है और एक इसकी हाइट निकाल के दिखानी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, इसका जो एरिया है वो मिनिमम है, ये प्रूफ करके दिखा दो। अब की बार वॉल्यूम गिवन है, एरिया और रेडियस हाइट हमने फाइंड करके दिखाना है, सॉल्यूशन, तो पहले गिवन को ले लो, वॉल्यूम 100, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 100, एरिया, एरिया का फॉर्मूला भी पिछले क्वेश्चन में बताया 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, ब्रैकेट खोल लो, यहाँ से 2 पाई आर एच और यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ से देखो h की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है ना, याद रखे डेरिवेटिव यहाँ करना है, जिसको मैक्सिमम मिनिमम कह रहा है मैं बार बार बोल रहा हूँ उसी का ही हमने डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, और पुट द वैल्यू ऑफ h इन दिस इक्वेशन, सो एरिया इज इक्वल 2 पाई आर, पुट द वैल्यू ऑफ h 100 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड 2 पाई आर स्क्वायर, सो बोथ पाई कैंसिल आर स्क्वायर कैंसिल, सो एरिया इज इक्वल 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 200 हो जाएगा, ये आर रह गया, तो इस आर को ऊपर ले जाओ, आर पावर माइनस वन और 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर ऑन बोथ साइड, एरिया का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, पावर आ गया एक पावर का माइनस 200 आर पावर माइनस 2, 2 2 जा 4 पाई आर पावर 1,
क्लियर। इक्वेशन नंबर वन, इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल लिख दो, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, सारा जीरो लिख दो, माइनस 200 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर 4 पाई आर इज इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाओ राइट में, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 4 पाई आर, 4 पाई आर इज इक्वल 200 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में था, इधर आकर प्लस हो गया, आर निकालो यहाँ से, आर स्क्वायर को इधर ले आओ तो आर क्यूब हो गया, यहाँ पे 100 4 पाई डिवाइड में, 4 से डिवाइड करो, 4 5 20 0 50 बाई पाई, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो 50 बाई पाई क्यूब रूट। ठीक है, ये आर निकल गया, क्लियर है बेटा। ठीक है, आर क्यूब कितना हो गया था, 50 अपॉन पाई, तो यहाँ से आर निकल गया। दोबारा फिर डेरिवेटिव करें, एरिया का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर, देखो फिर से डेरिवेटिव करो, यहाँ पे पावर आ गया एक पावर का, माइनस माइनस प्लस 400 आर पावर माइनस 3, 400 आर पावर माइनस 3 प्लस आर का डेरिवेटिव 4 पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई, तो यहाँ से कितना बन गया, 400 डिवाइड बाय आर क्यूब प्लस 4 पाई, यहाँ आर क्यूब की वैल्यू पुट कर दो, 400 आर क्यूब, ये आर क्यूब निकाला था 50 अपॉन पाई। ठीक है, प्लस 4 पाई, वैसे भी देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस आगे करने की जरूरत ही नहीं, तो अगर हमारा आंसर प्लस में आ गया तो ये एरिया जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, मिनिमम, एरिया इज मिनिमम। क्लियर, अब उसने कहा था रेडियस और हाइट निकाल कर दिखा दो, उसने कहा इसका डायमेंशन निकाल दो, रेडियस और हाइट, रेडियस तो निकल गया, हाइट, हाइट ये रही, एच किसके इक्वल, 100 ओवर पाई आर स्क्वेयर, नाउ एच इज इक्वल 100 अपॉन पाई आर स्क्वेयर, यहाँ आर की वैल्यू पुट कर दो, एच इज इक्वल 100 अपॉन पाई, पुट द वैल्यू ऑफ आर, ये वाली 50 अपॉन पाई क्यूब रूट, और ऊपर ये स्क्वायर भी है तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 अपॉन पाई 50 अपॉन पाई पावर में कितना हो गया 2/3, तो इसको थोड़ा और ठीक कर लो, एच इज इक्वल, इस 100 को ऐसे लिख सकते हो, देखो 2 × 50 लिख सकते हैं, एंड डिवाइड बाय ये वाला पाई, और इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 अपॉन पाई 2/3, ये 200 था, 2 × 50 कर दिया, ये पाई ये लिखा हुआ, 50 अपॉन पाई पावर 2/3, 50 अपॉन पाई 50 अपॉन पाई, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, और 50 अपॉन पाई 1 में से 2/3 माइनस कर दो तो 1/3, तो यहाँ से हाइट किसके इक्वल आ जाएगी, एक तो यहाँ से ये 2 और 50 अपॉन पाई और पावर में कितना 1/3, दिस इज आंसर, ये हाइट आ गई और ये हमारे पास रेडियस, तो दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखोगे, ओके, थैंक यू।